कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पहचान को, जिस भी सेक्टर की पहचान हो, वह टूरिज्म का हो, उत्तर प्रदेश की विरासत का हो, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का हो या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन सभी सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश एक नई आभा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को अवश्य कहूंगा कि ये जो पहचान हम लोगों ने पिछले कुछ समय से की है और उस पर आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खासतौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा और उस यात्रा के लिए मैं अपनी पूरी टीम का एक बार फिर आह्वान करूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से भी मैं अपील करूंगा कि उनका जो आशीर्वाद सरकार को प्राप्त हुआ है, डबल इंजन सरकार को प्राप्त हुआ है, ये सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उनकी अपेक्षा पर खड़ा उतर करके न केवल केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें भरपूर देगा बल्कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार बड़े से बड़े कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। मैं एक बार फिर से पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने भी रखता है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। फुल मेजोरिटी की सरकार और सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ये जो 10 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो परंपरागत जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी इससे अलग हट करके उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के अनुरूप असीम संभावना वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित हुए उस पर हमारी पूरी टीम ने काम किया। 6 वर्ष में से
मित्रों 3 वर्ष तो वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए जूझते हुए व्यतीत हुए और उसी में हम लोगों ने राह भी निकाली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की। जो उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।